हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पी के बी एजू ज्ञान में। तो जैसा कि आपको पता होगा, सिक्स ईयर प्रोग्राम का एग्ज़ाम हो चुका है आज। उसकी जो आंसर की है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच एसिड इज इंजेक्टेड टू आवर बॉडी व्हेन आंट बाइट्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर क्या है, ब्लू कलर के अंदर कुछ टिक मार्क दिख जाएंगे, तो ये आपके सही नहीं है। कुछ क्वेश्चन है इसमें से क्या है गलत है वो मैं आपको सही बता दूंगा, उसका सही आंसर क्या आएगा। ये कोड ए का जो पेपर है, ठीक है, आप अपने क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच रिएक्शन डज नॉट शो विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा अपना डी, आएगा सेम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। तो वो कौन सी की जाती है, एंट एसिड की जाती है, तो सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट रिएक्शन दे रखी है, आपको बतानी है किस टाइप की रिएक्शन है, तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डी सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्या है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, चार होती है, सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्या है, जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या है, वाटर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जब हम HCl+ डालेंगे अन्यवस्थ, तो हमारे पास क्या है, वाटर प्लस NaCl बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंशन ऑफ आयरन फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग से बचाने के लिए आयरन को क्या प्रोसेस की जाती है, वो की जाती है आपकी पेंटिंग की जाती है, क्रोम प्लेटिंग भी होती है और ग्लेवनाइजेशन भी होती है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ दोनों रिएक्शन हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल कैन नॉट बी कट विद नाइफ। नाइफ से कट नहीं कर सकते, ये पूछा गया है। सोडियम को हम कट कर सकते हैं, लिथियम और पोटेशियम इनको भी कट कर सकते हैं, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका लेड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, उसका करेक्ट आंसर आएगा ब्रोमिन। नेक्स्ट क्या है, पेंटेन का फार्मूला होता है C5H12। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्स आपके पास कोई एलिमेंट है तो वो बना रहा है आपके पास HCl2, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा MgCl12। ठीक है, MgCl2। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बी, आएगा MgCl2। उसके बाद में क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉनकेव मिरर इज नॉट यूज, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा रियर व्यू मिरर इन व्हीकल के अंदर। ठीक है, उसके बाद में C3H8 प्रोपेन के अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो कितने होते हैं, 10 होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, उसके बाद में स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बतानी है कौन सी इसमें से स्टेटमेंट है वो इनकोरेक्ट है। तो इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बाउंड टू न्यूक्लियस व्हेन वी मूव डाउन, तो ये क्या है आपकी इनकोरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्या है, रजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, एरिया ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर और नेचर, तीनों पर डिपेंड करती है, तो डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट दे रखा है, 17 का जो आंसर आएगा वो आएगा 30 सेंटीमीटर और 18 का आएगा 22 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद में 19 का आएगा ए बोथ कनकेव। ठीक है, उसके बाद में टू कनेक्टिंग वायर वाले का आएगा आपका 1:4, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्या है, द असेंशियल डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। ठीक है, तो इसका जो आप लगा के आए होंगे, ए इसका लगा के आए होंगे, बट जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका डी आएगा। ठीक है, क्या आएगा, डी आएगा। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने वाला इंस्ट्रूमेंट पूछा गया है, न कि मेजर करने वाला। तो काफी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हुई होगी, पर इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका जनरेटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर इज रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट, वो क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्या है, थर्मल पावर प्लांट आएगा, उसके बाद में क्या है, टुवार्ड वेस्ट आएगा, उसके बाद में एनर्जी फ्रॉम फॉसिल्स आएगा। ठीक है, उसके बाद में नाइट्रोजन आएगा, जो अपने चिप्स के बैग होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन फिल की जाती है, ठीक है, ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए। उसके बाद में आएगा कोल आएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन आएगा, और जो बेकिंग सोडा का जो जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3। ठीक है, तो मैं आपको फटाफट सभी आंसर बता रहा हूँ, डिटेल में हम कुछ नहीं कर रहे कि इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, तो फटाफट क्या है आप अपने आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है, उसका आएगा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्ट इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद में लाइकन आएगा, 32 का लाइकन, विच परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर के अंदर क्या है, 0.04 होता है। ठीक है, बट यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो 0.03 हम लगा के आएंगे। उसके बाद में कितने नंबर ऑफ ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल में, 18 होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। उसके बाद में फोटोसिंथेसिस आएगा, नेक्स्ट क्या, उसके बाद में गार्ड सेल क्या है, स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग में हेल्पफुल कर रहती है। RBC आएगा, जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्या है, न्यूरोन आएगा, 39 का क्या आएगा, सी आएगा। उसके बाद में क्या है, जियोट्रोपिज्म आएगा। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स
स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द हार्मोन, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका बी आएगा, थायरोक्सिन। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, क्या आएगा? बी आएगा थायरोक्सिन। नेक्स्ट क्या है उसका, आएगा आपका यूनिसेलुलर, उसके बाद में आएगा हाइड्रा, उसके बाद में ओवेरी स्टाइल स्टिग्मा, उसके बाद में वास्क डिफेंसिस आएगा, उसके बाद में पोलन ग्रेन आएगा, ठीक है, और उसके बाद में जॉन मेंडल क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है, फॉसिल्स आएगा नेक्स्ट का 48 का, उसके बाद में आयरिस आएगा, उसके बाद में मायोपिया आएगा, रेटिना आएगा, ठीक है, उसके बाद में आएगा आपका 52 का क्या आएगा, ए आएगा, सनलाइट प्रोड्यूसर प्राइमरी फिर सेकेंडरी, ठीक है, उसके बाद में ओजोन वाले का क्या आएगा, बोथ ए एंड बी आएगा, उसके बाद में क्या है, ग्रास गोट एंड ह्यूमन, ये क्या आपकी फूड चेन है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड बनता है जब हम HCl को क्या है आयरन फिलिंग्स के साथ क्या है रिएक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट क्या है, टोमेटो के अंदर क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। CaOCl2 किसका है, ब्लीचिंग पाउडर का है, कितनी बार किया हुआ क्वेश्चन है। किडनी का जो फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, नेफ्रॉन होती है। उसके बाद में साइटोकिनिन क्या है आपका, एक प्लांट हार्मोन है, ठीक है, उसके बाद में क्या है, जो चिपको आंदोलन है वो कहाँ हुआ था, गढ़वाल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर हुआ था। उसके बाद में A1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने होते हैं, 100 हेक्टेयर होते हैं। उसके बाद में नंबर ऑफ क्लासेस कितने के अंदर होती है, 12 के अंदर होती है। उसके बाद में कांग्रेस ग्रास आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, कट ऑफ काफ़ी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट शुगर केन आएगा। उसके बाद में क्या है, इंसेक्ट क्या है, सभी प्लांट के पार्ट को क्या है, डैमेज करते हैं। उसके बाद में ये वेजिटेबल एंड कड्डी में यूज होता है। उसके बाद में 5 जून को आपका इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। द मैक्सिमम एप्लीकेशन कहाँ से होती है, ट्यूबवेल से होती है। उसके बाद में मेज आएगा, फुल आर्मी वोम होता है, वो किसको करता है, मेज को करता है। उसके बाद में जो हमारा शेप ऑफ एकड़ फील्ड की कितनी होती है, रेक्टेंगुलर होती है, क्या होती है, रेक्टेंगल। उसके बाद में नेक्स्ट 71 का आएगा प्याजी। उसके बाद में क्या आएगा, रेड होता है इंसेक्टिसाइड्स की कंटेनर पे, कौन सा कलर का होता है, रेड होता है। उसके बाद में ओरन बेंची आएगा। नेक्स्ट क्या है, अर्ली एंड लेट ब्लाइट डिजीज किसकी होती है, ये आपकी 74 नंबर क्वेश्चन है। इसका जो आंसर आएगा, इसका आएगा नन ऑफ दीज, ठीक है, डी करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद में आपकी जो डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, करनाल के अंदर है, NDRI, बहुत बार पढ़ा है हमने। उसके बाद में जो MSP है उसने कितनी की है, 22 की है, 22, ठीक है। उसके बाद में ये क्या है, नेमेटोड्स किसको करते हैं, वेजिटेबल्स को करते हैं डैमेज। खरीफ कौन सी है, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका प्लेनरिस माइनर, ठीक है, सी करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद में 79 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका 6, कितना आएगा, 6A इसका करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद में 80 का जो आएगा वो आएगा गेत्ती, ठीक है, बाकी क्या है हमारे फील्ड के अंदर यूज होने वाले हैं। उसके बाद में हमारा आएगा 81 का जो आएगा वो आएगा ए आएगा, ठीक है, क्या आएगा, 81 का क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। 82 का जो आएगा वो हमारे पास आएगा सी आएगा, ठीक है, चीजल हल आएगा इसका। उसके बाद में डिसीसियस ट्री कौन सा है ये बताना है, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास सी आएगा, ठीक है, क्या आएगा, महानीम, सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 84 का क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है, क्या आएगा, डी आएगा। 85 का क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा ग्रोथ प्रमोटर रेगुलेटर और रेगुलेटर, डी इसका करेक्ट आंसर आएगा, किसका, 85 का। उसके बाद में कंडक्टिविटी की क्या है, ये हमारे पास यूनिट है, तो ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। लिक्विड नैनो यूरिया के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। उसके बाद में 88 का सी आएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, वाइट ग्रुप, यानी कि इसका जो आएगा वो आएगा डी आएगा, ठीक है। 89 का क्या आएगा, डी। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, उसका आएगा हाइब्रिड नेपियर ग्लास ग्रास आएगा 90 का। 91 का आएगा कसोला। उसके बाद में 92 का ए आएगा, ठीक है। उसके बाद में 93 का क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है, क्या आएगा, 93 का सी आएगा। 94 का क्या आएगा हमारे पास, डी आएगा, 94 का डी आएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। उसके बाद में 95 का जो आएगा वो आएगा हमारे पास सी आएगा, 95 का सी आएगा। बासमती राइस की वैरायटी पूछी गई है, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है, फुट एंड माउथ वायरस के द्वारा होती है। ये सारे क्वेश्चन है एग्रीकल्चर के, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन क्या है, जो हमारा टेस्ट सीरीज वाला कोर्स था उसके अंदर से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में राइस, राइस क्या है, ये हरियाणा का क्या है, क्रॉपिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है बार्ले, ठीक है, नोट अ ग्रीन मेन्योर क्रॉप बार्ले। तो जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें से क्या है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो आपकी टेस्ट सीरीज थी, जो हमारा कोर्स था वहाँ से उठाए गए क्वेश्चन है। जिन भी स्टूडेंट ने वहाँ से प्रैक्टिस की थी डेफिनेटली उसके बढ़िया स्कोर आया हुआ होगा, ठीक है। तो फटाफट कमेंट करके बताएं कि अपना आपका कितना स्कोर बन रहा है, ठीक है, जल्दी आपको कट ऑफ से रिलेटेड भी वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं उनके मोस्ट ऑफ क्या है, सही क्वेश्चन है।
सही आंसर है, कुछ एक दो हो सकते हैं वो जब भी कोई ऑप्शनल आंसर की आएगी तो वो क्या है हम ऑब्जेक्शन के थ्रू देख लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, थैंक यू।